अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अफशा जकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान .tv। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मेरे और अदलिया के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू कर दी गई, लेकिन सच सामने आएगा और सच का बोल बाला होगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, अभी इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने सहाफ़ियों से मुलाकात करके परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसले की हिमायत की। बतौर जज हमेशा अपने हल्फ की पासदारी की और बग़ैर खौफ के फैसले किए। एक जज का दिल शेर की तरह और आसाब पौलाद की तरह होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे और जस्टिस गुलजार अहमद कल नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, खुसूसी अदालत के हालिया फैसले में चीफ जस्टिस के वाज़े करदा कानूनी उसूल मद्देनजर नहीं रखे गए। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार है। सजा पर अमल दरामद का तरीका वहशियाना, गैर इंसानी और गैर कानूनी है। जस्टिस खोसा ने इस वक्त फैसले की हिमायत की जब तफसीली फैसला आना बाकी था। हुकूमत की जानिब से जस्टिस वक़ार सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस आज दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस सदर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर किया जाएगा। रेफरेंस वजीर कानून अटॉर्नी जनरल शहजाद अकबर और वजीर आजम की लीगल टीम की जानिब से तैयार किया जा रहा है। रेफरेंस में जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की जानिब से फैसले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज को बुनियाद बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अपील करने का भी फैसला। मामला परवेज मुशर्रफ की जात का है ही नहीं, एक खास हिकमत अमली के साथ पाक फौज को टारगेट किया गया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान। कहा, पहले लब्बैक धरना केस में फौज और ISI को मुलव्वस किया गया, फिर आर्मी चीफ के ओहदे में तौसी को मुतनाज़े बनाया गया और अब एक फौज के मकबूल साबिक सरबरा को बेइज्जत किया गया। वाकयात का तसलसल अदालती और कानूनी मामला नहीं रहा, इससे बढ़कर है। अगर मुल्क में फौज के इदारे को तकसीम या कमज़ोर कर दिया गया तो फिर अनारकी से नहीं बचा जा सकता। जनरल बाजवा और मौजूदा फौजी सेटअप ने जमहूरी इदारों का साथ दिया, लेकिन उनकी हिमायत को नादानी में कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जज ने परवेज मुशर्रफ को मरने के बाद भी सजा सुना दी। सरबरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा, फैसले से फौज का मोराल डाउन हुआ और आवाम को सख्त तकलीफ हुई। लम्हा फिक्रिया है कि किसी जज के खिलाफ ऐसा फैसला आया तो कौन अमल दरामद करेगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले और इसमें इस्तेमाल की गई जबान से हमारे दिल दुखे हैं। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा, सियासी जबान अदालतों के फैसले में नजर नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है जल्द ऐसा निज़ाम देखेंगे कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले और मुल्क लूटने वालों को मसावी सजा होगी। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, माशी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तकरीब से खिताब। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान पैदा तसादुम कम होना चाहिए। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के 191 रन के जवाब में 271 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने 5 और मोहम्मद अब्बास ने 4 विकेटें हासिल की। 19 साल शाहीन शाह आफरीदी की पहली बार टेस्ट इनिंग में 5 विकेट। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।